बीजेपी किशन रेड्डी का दबदबा दबा रखा है। गुज़िश्ता टेम्पी सीट मारते आ रहे, इस बार नानम नागेंद्र किशन रेड्डी से आपका मुकाबला है, कैसा रहेगा? तो आप बोलते क्या, उन्होंने जीत रहे बोल के दबा दबा है, आपका क्या है अभी इस बार कैसा रहेगा आपका? गुजरे 5 साल से जो है किशन रेड्डी साहब मिनिस्टर रह के भी जो है उनके हल्के में या 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कोई बस्ती नहीं घूमे, एमपी लाट तक जो है लाभ हो गए। दानम नागेंद्र अब उन्हें कब किधर रहता पता नहीं, पहले जो है कांग्रेस में था वहाँ से हमारे पास आया, उससे पहले आसिफ नगर से लड़े, जब टीडीपी में आए फिर राजशेखर रेड्डी साहब सीएम बनते फिर कांग्रेस में आए, परसों तक हमारे बीआरएस पार्टी में था, अब कांग्रेस का हुकूमत आते ही जो है फिर जो है कांग्रेस में गया। क्लैरिटी नहीं है सर लोगों को वोट, कल बोल नहीं सकते, कल बीजेपी में भी जा सकता हूँ। सर आप मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, पब्लिक का रिस्पांस कैसा आ रहा है? कैसा है जी, हम वोट अपील कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो है 70-80% जो है जरूर वोट देंगे बोल के बोल रहे, पैसा भी जो है ये सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है हमारे पार्टी के 5-6 MLA जुबली हिल्स है, हमारे को अंबरबेट है, मुशीराबाद है, मैं सिकंदराबाद का खुद का MLA हूँ, 5 MLA से अपने अपने हल्कों में जो है कोई वीक कैंडिडेट नहीं है, पूरे मोटे ताज़े तगड़े MLA से हर एक को जो है हवा में रहने वाले है, तो बरोबर जो है ये सिकंदराबाद पार्लियामेंट जो है हासिल करेंगे। 17 उम्मीदवारों को उतारा है, 17 उम्मीदवारों में कैसा रहेगा? मैं पार्टी के 17 के 17 जीतते बोल के बोलता हूँ, इवन असद भाई भी हार जा रहे हैं हम ही जीतते बोलता हूँ, ऐसा होता क्या? हर एक पार्टी की एक उम्मीद रहता है, एक 10 सीट अंत तक जो है TRS फिर जीत रही है। सब नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हिंदुओं के महिलाओं का मंगलसूत्र छीन कर दे दिया जाएगा, कौन बोले ये? नरेंद्र मोदी साहब। अब नरेंद्र मोदी जो है बहुत कुछ बोला, स्टार्टिंग में आए जब जो है एक एक खाते में 15-15 लाख जमा भी करता हूँ, आपको मिल गए शायद 15 लाख तो उसके लिए पूछे, फिर मिल गए क्या आपको? सही बोला जी, बेईमानी नहीं करना, 15 लाख मिले तुम्हारे बैंक में गिरे नहीं गिरे, एक रिपोर्टर होने के नाते आपको नहीं गिरे तो आम आदमी को कहाँ से गिरेंगे भाई? गरीबों की हुकूमत नहीं है ये, जो है सरमाएदारों का हुकूमत है बीजेपी का। वैसा भी जो है KCR साहब, हम 10 साल हमारे अभी सबका चीफ मिनिस्टर साहब हुकूमत अच्छा चलाए, हर पॉलिटिकल पार्टी को एक एक बार 10 साल 12 साल 15 साल होते हैं थोड़े अप एंड डाउन से होते, इस बार भी हमारे को ऐसे अप एंड डाउन हुए, लेकिन अभी हमारे पास 39 MLA जीते, अभी भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, 1.7% जो है वोट पीछे हुए, तो हैदराबाद पूरा स्वीप करे, डिस्ट्रिक्टों में जो है शायद किसी की गलतियाँ क्या है पता नहीं, आवाम को ऐसा रहता जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आई हो तो कल एक 5-10 साल तुझे आने वाला पार्टी और कुछ देते क्या गरीबों के, बल्कि जो है वोट डाले है पर वैसा कांग्रेस के जो है जितने भी जो है प्रामिसेस किए उसमें कोई भी फुलफिल नहीं हुआ अभी तक, तो आवाम अभी समझ रही है अभी गलती करे हम, फिर KCR साहब को जो है 8 से 10 सीट में जिताना बोल के बोल रहे हैं। सिकंदराबाद की आवाम से क्या गुजारिश करेंगे? हम वोट अपील करते हैं, हम जो है गुजरे 25 साल से MLA हैं, अब चौथी बार MLA हूँ, मैं एक्साइज मिनिस्टर था, वैसे डिप्टी स्पीकर था, सबको बोल रहे कोई है तो हमारे हल्कों में जो है इनके दोस्त सगे रिलेशन सब रहे थे, किसी को पूछो पता करो पता रहो, एक सेकुलर इंसान है सबको मिला के जो एक ही टोकरे में, एक मिनट तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको जो है एक टोकरे में डाल के उठा के चलने वाला इंसान हूँ मैं। और क्या क्या पूछना चाह रहे? मुसलमानों को घुसपैठी का इल्ज़ाम लगा था उसके ऊपर, वो तो अभी तक जो 116 बोला, वो मोदी है बनिया है वो सुने वो बोलते रहते, किशन रेड्डी साहब भी बहुत बोले, सेंट्रल मिनिस्टर जब से बैठे शर्म की बात क्या है बोले तो MP लैट्स भी जो है ख़त्म हो गए, लैट्स हो गए, और पूछो आप टाइम देने के लिए शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब टाइम देने के लिए, अभी मेरे पद्मारावर साहब जुड़े हुए थे, मैं पद्मारावर साहब का थैंक शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको कीमती टाइम देने का, शुक्रिया साहब।